देखते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में पहले बात करते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कि वो क्या काम करते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव, कि वो ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं कि क्या क्या मुझे करना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम करेंगे तो विदाउट ऑब्जेक्टिव हम कुछ नहीं कर सकते। तो सेटिंग द ऑब्जेक्टिव सबसे मेन काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना कि भैया मुझे प्लानिंग कैसे करनी है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो कैसे अचीव करूंगा मैं, उनमें कौन कौन सी पॉलिसीज को मैं यूज़ करूंगा, वो काम होता है। अगला होता है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, जो मैंने सेटिंग ऑब्जेक्टिव की है और जो मैंने प्लानिंग की है उनके अनुसार फिर मैं ऑर्गेनाइजिंग करूंगा, सारे रिसोर्सेज को असेंबल करूंगा। ये फाइनेंस रिसोर्सेज हो गई है, एचआर रिसोर्सेज हो गई है, मेरी ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, ये सेल्स रिसोर्सेज हो गई। तो सारे रिसोर्स को असेंबल करने का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को कंट्रोलिंग का काम भी इनका ही होता है कि जो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे ये इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और उनसे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं, ये भी काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। लाइसन विद आउटसाइड वर्ल्ड, लाइसन विद आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब ये होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलने का काम भी, उनसे मीटिंग का काम भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। और अगर मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो किन किन से ये डील करते हैं, ये डील करते हैं जिनका नाम है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो ये दोनों फंक्शंस कौन डील करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको डील आउट करेगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, प्लानिंग भी करता है मैंने बताया आपको, ऑर्गेनाइजिंग भी करेगा, सारे रिसोर्सेज को असेंबल भी करेगा। तो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन डील करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको।